होला फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल होला चैनल पर। दोस्तों, आप सभी दिन में कितनी बार मोबाइल फोन का यूज कॉल करने के लिए करते होंगे, और इसी मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस के जरिए बड़ी ही आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने दोस्त या रिश्तेदारों से बात करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कॉल लगता कैसे है, और दूर बैठा हुआ आपका दोस्त या रिश्तेदार को ही ये कॉल कैसे लगता है, किसी और को क्यों नहीं, और ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है? जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपसे इसी मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस कैसे काम करती है उसी बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, एक वक्त था कि हर किसी के घर टेलीफोन नहीं होता था, और सभी को टेलीफोन बूथ पर जाके लंबी लाइन लगाकर कॉल करना पड़ता था, और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन आज के दौर में सभी के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, और बड़ी आसानी से कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने 1G से लेकर 4G तक का सफ़र करीब 3 दशकों में पूरा किया है, और आने वाले दिनों में 2020 तक 5G भी हमारे कंट्री में आ सकता है। 5G टेक्नोलॉजी पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका यूज़ हम सेलुलर नेटवर्क्स के जरिए मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन में होता यह है कि गवर्नमेंट हर एक फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करती है, और इसी तरह गवर्नमेंट सारी फ्रिक्वेंसीज को टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनीज जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो जैसी कंपनीज को अलर्ट करती है। हर एक कंपनीज को अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड मिलता है, इसी फ्रिक्वेंसी बैंड पर कंपनीज अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। हमारे एरिया को हेक्सागोनल सेल्स में बांटा जाता है, और हर एक सेल्स में टेलीकॉम कंपनी अपना सेल टावर लगाती है, जिसे BTS यानी कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन कहा जाता है। हर एक सेल में अलग अलग छोटे छोटे फ्रिक्वेंसी बैंड अलॉट किए जाते हैं, जिससे बाजू वाले सेल से इंटरफेस ना हो, और ये सारी सेलुलर फ्रिक्वेंसी उसी फ्रिक्वेंसी बैंड का हिस्सा होती है। इस सेलुलर कॉन्सेप्ट की मदद से हम इन फ्रिक्वेंसी को रीयूज भी कर सकते हैं। BSC यानी कि बेस स्टेशन कंट्रोलर बहुत से BTS को कंट्रोल करता है, और MSC यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर बहुत से BSEs को कंट्रोल करता है। हम जो बातचीत करते हैं वो वॉइस सिग्नल अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के जरिए BTS तक पहुंचते हैं, और फिर BTS से BSC और BSC से MSC, फिर MSC से दूसरे MSC तक पहुंचते हैं। उसी तरह MSC से फिर BSC, BSC से BTS, और BTS से जहां हमने कॉल किया हो उस मोबाइल फ़ोन तक पहुंचता है, और उस तरह उस मोबाइल फ़ोन से हमारे मोबाइल फ़ोन तक ये सिग्नल पहुंचते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन फुल डुप्लेक्स होता है, जिसके ज़रिए हम सिग्नल को ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों एक साथ कर सकते हैं। ये पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत से यूनिक कोड का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर, कंट्री कोड, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन कोड, IMEI नंबर एटसेट्रा। इन सारे कोड के ज़रिए ये पूरा सिस्टम ये पता लगाता है कि जिसको हम कॉल कर रहे हैं वो कहाँ पर है, और हमारा कॉल उसी बंदे को लग रहा है कि नहीं। वायरलेस कम्युनिकेशन सिर्फ हमारे मोबाइल फ़ोन और BTS के बीच ही होता है, बाकी सारा कम्युनिकेशन वायर्ड होता है, जो कि सबसी कम्युनिकेशन केबल के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये केबल समंदर के नीचे बिछाए गए हैं, और जिसके ज़रिए हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं केबल की मदद से हम इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से आसानी से बात कर सकते हैं। GSM CDMA में मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स है। अगर आप चाहते हैं कि GSM और CDMA में क्या डिफरेंस है, और ये टेक्निक काम कैसे करती है, तो आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं अपने आने वाले दिनों में उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। होप आपको इस वीडियो के जरिए आप बेसिक आइडिया तो आ ही चुका होगा कि मोबाइल कम्युनिकेशन काम कैसे करता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल होला चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के टेक्नोलॉजिकल वीडियोस लेके आता रहता हूँ।